हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ पॉइंटर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक छोटा सा एनालिसिस करना चाहूँगा यूके सिविल जज प्री एग्जाम पेपर का। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने हार्ड थे, कितने सिंपल क्वेश्चंस थे, और थोड़ा सा हम कंपेरिजन करेंगे जो इससे पहले वाला एग्जाम हुआ था यूके सिविल जज प्री एग्जाम, जिसमें कि 30 वैकेंसी इसके लिए एग्जाम हुआ था, उसका भी इसके साथ। सो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे ज्यूरिसप्रूडेंस की। तो ज्यूरिसप्रूडेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें पूछा गया था बुक्स के बारे में, जैसे कि थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी बुक है, या फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन ये किसकी बुक है। सो ये सब क्वेश्चंस ज्यूरिसप्रूडेंस में पूछे गए थे, ज़्यादा टिपिकल इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो इंटरनेशनल लॉ में पहले के मुकाबले इस बार काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्स एक्वा एट बोनो। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे गए, जैसे कि प्रिंसिपल ऑर्गन कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया यूएन चार्टर में। ऐसे इसमें पूछा गया था कि हाउ मेनी मेंबर्स आर इन सिक्योरिटी काउंसिल पूछा गया है। बट कुछ क्वेश्चन जैसे कि अ पर्सन बोर्न नॉट इन द कंट्री ऑफ हिज पेरेंट्स वुड बी द नेशनल ऑफ द कंट्री वेयर ही इज बोर्न ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जस सोली जस सैंग्विनिस जस जूरी जस स्टडी जस स्टडी। सो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो काफ़ी टिपिकल भी थे, जैसे कि एसाइलम स्टॉप्स वेयर एक्सट्रेडिशन बिगिंस, ये स्टेटमेंट किसने दिए। सो काफ़ी जो पहले के मुकाबले इस बार काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरनेशनल लॉ में। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे कि जो अभी रिजर्वेशन पास हुआ था 10% का, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस होती है उनके लिए, उनका अमेंडमेंट पूछा गया था। ऐसे ही वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक पूछी गई थी, फिर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन पूछा गया था, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था डेफिनेशन को लेकर जो इमरजेंसी का था वो भी पूछा गया था। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 किस रिलेट करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कौन से लिस्ट में आता है। सो ये इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट हाँ, इंटरनेशनल लॉ में काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें बिल्कुल भी दोहराई नहीं है। व्हेन अ न्यू स्टेट इज फॉर्म थ्रू रिवोल्ट रिकॉग्निशन यूजुअली ग्रांटेड इज, सो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें करंट की, तो करंट के ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, जैसे कि सबसे पहला फर्स्ट ओम्बड्समैन ऑफ इंडिया पूछा गया था, जो कि पीसी घोष है, जस्टिस पीसी घोष। ऐसे ही पूछा गया था क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड किसको मिला था मार्च 6, 2019 में, और ये पूछा गया था कि 25th हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा इसमें करंट में तो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे। सो अगर हम बात करें आगे, तो आगे अगर हम बात करें सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन इतने पूछे गए हैं बहुत ही ज़्यादा। सो जिसने भी इंडेक्स अच्छे से किया होगा उसने ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर दिए होंगे, बिकॉज इतने टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे सेक्शन बेस्ड। बट हाँ, जैसे कि हिंदू लॉ में टैगोर वर्सेस टैगोर पूछा गया, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देते हैं। ऐसे अगर हम बात करें सीआरपीसी की, सीआरपीसी में एक दो क्वेश्चन था, जैसे कि फॉर्म पूछा गया सेकंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी इज रिलेटेड विद चार्ज, ऐसे ही पूछ लिया गया कि विच केस इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द एक्यूज। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए थे। वैसे क्वेश्चन बात करें तो अच्छा पेपर था, इतना टिपिकल भी नहीं था और इतना ईजी भी नहीं था। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदू लॉ में मैंने आपको बताया टैगोर वर्सेस टैगोर पूछा गया था, हिंदू सक्सेशन एक्ट में पूछा गया वन पर्सन स्टेट टू बी एग्नेट ऑफ अनदर इफ द टू आर रिलेटेड, ये ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। नेचुरल गार्जियन पूछा गया था मैरिड घर का, फिर इसमें पूछे गए थे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया फिर कि वर्डेबल मैरिज कौन से सेक्शन में है। ऐसे ही सो इसमें भी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे हिंदू लॉ में, एक दो केस लॉ पूछा गया वो थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है कभी कभी। अगर हम बात करें नेक्स्ट उसकी, तो नेक्स्ट उसमें सीआरपीसी में तो आपने देखा ही है सारे मोस्टली जो क्वेश्चन है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम पूछा गया, ऐसे ही आपका जो है इट वॉज हेल्ड एट द फंक्शन ऑफ द पुलिस एंड द जुडिशरी कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट भी है जिसे हेल्ड की गई थी। इसको आप अगर आपका सही भी नहीं हुआ तो आप इसको नोट जरूर कर लें, जिससे आपको फ्यूचर में याद रहे। ऐसे ही सीआरपीसी में तो मोस्टली जो भी पूछा गया वो सेक्शन बेस ही ज़्यादातर पूछे गए हैं। ऐसे इनहेरेंट पावर का पूछा गया था 482 में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो आईपीसी की बात करते हैं। आईपीसी में भी मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सेक्शन बेस ही क्वेश्चन पूछे गए। मैंने जो वीडियोस में क्वेश्चंस डाले थे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के, मैंने उनमें बताया था कि उत्तराखंड में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सेक्शन बेस ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इंडेक्स अच्छे से याद होना चाहिए। और अगर हम बात करें आईपीसी की, तो इसमें 2-3 रजिस्ट्रेशन पूछी गई है और जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन ही इसमें सेक्शन बेस पूछे गए हैं।
बात करें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो दो तीन क्वेश्चन को छोड़ के ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 17 ऑफ द टीपी एक्ट इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टिपिकल पड़ जाते हैं, बट जो जनरली क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादा टिपिकल नहीं थे। ऐसे एक प्रॉब्लम पूछी गई थी, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इन ट्रस्ट फॉर सी एंड डायरेक्ट्स बी टू गिव पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू सी व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 25 सी हैज। सो इस टाइप के क्वेश्चन थे। ऐसे इसमें डॉक्ट्रिन पूछी गई थी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन है वो कौन से सेक्शन में दी गई है, तो आपको पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन 27 में दी गई है। ऐसी अपोर्शनमेंट बाय टाइम, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपको बताना था। ऐसे अ कोनर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अंडर टीपी एक्ट में मेकअप राइट ऑफ रिडम्पशन कैन बी एक्सरसाइज बाय। सो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछे गए थे, एक्सचेंज अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज इक्वल टू। सो ज़्यादा टिपिकल इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। सो आप इसको ईजिली कर सकते थे। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो सीपीसी की, सीपीसी में एक दो क्वेश्चन को छोड़कर ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। अगर हम बात करें सीपीसी में, तो धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर सीपीसी, ऐसी दूसरा केस पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा इन रिट पिटीशन। तो इसमें जैसे कि ये केसेस पूछे गए, सीपीसी में होता है ज्यादा केसेस लोग पढ़ते नहीं है, नहीं इसमें ज्यादा केसेस होते हैं। सो इसमें बेरेक्ट से मोस्टली चीजें कवर हो जाती है, बट कोई बात नहीं, जब हम इन चीजों के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो लगता है क्या छूट गया। सो कोई बात नहीं, जो भी ये क्वेश्चन आए आप इनको नोट कर लीजिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें सीपीसी के और क्वेश्चन की, तो ज़्यादा क्वेश्चन टिपिकल नहीं थे। ऐसे ही पूछा गया था, अ बंडल ऑफ फैक्ट विच टेकन विद द लॉ एप्लीकेबल टू दैम गिव्स द प्लेंटिफ द राइट टू रिलीफ अगेंस्ट द डिफेंडेंट इट इज कॉल्ड एज। ऐसे इसमें भी जो है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, कौन से ऑर्डर में क्या है, जैसे कि एन अपील सेल नॉट लाई फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर अंडर द कोड ऑफ सीपीसी, ऐसे अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी अप्लेंटी इलेक्टेड बाय द कोर्ट इन एबसेंस ऑफ कोज ऑफ एक्शन, ऐसी प्लेस ऑफ सुइंग इज मैंशन इन विच पार्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ऐसे ही पूछा गया था, सेक्शन 89 ऑफ द सीपीसी डील्स विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऐसी जजमेंट मिस पूछा गया था। सो इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन थे थोड़े ट्रिकी, बट जो मोस्टली क्वेश्चन थे वो सिंपल ही थे, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, जैसे कि सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सीपीसी डील्स विद स्टे ऑफ सूट, ऐसे ही पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर इन द केस ऑफ सीपीसी। सो इसमें जो है मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ थोड़े हार्ड थे, कुछ थोड़े सिंपल थे। फ्रेंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो इसमें भी जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए। जिसने भी इंडेक्स जिसको अच्छे से याद होगा उसने क्वेश्चंस इजीली कर दिए होंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट में बिल्कुल भी टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सिंपल ही क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इंक्लूसिव इन सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसे ही पूछा गया था। द प्रिंसिपल दैट पोजेशन इज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप इज कंटेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच सेक्शन, ये पूछा गया था। सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट मेक्स रिलेवेंट द ओपिनियन ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच इशूड द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऐसे ही पूछा गया था। कन्फेशन ऑफ वन एक्यूज पर्सन इज रिलेवेंट अगेंस्ट अनदर को एक्यूज पर्सन अंडर विच फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस। तो इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, इसमें भी सारे क्वेश्चन मोस्टली वो सेक्शन बेस ही क्वेश्चन पूछे गए, ज़्यादा टिपिकल इसमें क्वेश्चन नहीं थे। फ्रेंड्स अगर हम बात करें मुस्लिम लॉ की, तो मुस्लिम लॉ में जो पूछे गए एक दो क्वेश्चन बहुत टिपिकल पूछे गए, जैसे कि पूछा गया था अंडर द वक्फ एक्ट 1995 द पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिटरमाइन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग एक्ट इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो जाने किसी ने वक्फ एक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर मोस्टली बच्चों ने मुझे लग रहा है छोड़ा होगा जिसको नहीं आता होगा, या फिर किसी ने तुक्का मार दिया होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मुस्लिम लॉ डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, ऐसे ही पूछे गया। मुता मैरिज परमिटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे ही इसमें पूछा गया था कि गोविंद दयाल वर्सेस इनायतुल्ला इज अ लीडिंग केस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी पूछा गया फ्रेंड क्वेश्चन। और अगर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच वन इज नॉट अ रिकॉग्नाइज ब्रांच ऑफ सुन्नी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। सो इसमें ज़्यादा टिपिकल तो क्वेश्चन नहीं थे, बट हाँ एक दो क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था। अगर हम बात करें फिर नेक्स्ट उसकी, तो नेक्स्ट जैसे कि हिंदू लॉ हमने पहले डिस्कस किया था, ऐसे हिंदू लॉ में पूछे गए थे कुछ क्वेश्चन। हिंदू मैरिज एक्ट में पूछा गया था लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील अगेंस्ट डिक्रीज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज फ्रॉम डेट ऑफ डिक्रीज, ऐसी दस्ताने वर्सेस दस्ताने का केस पूछा गया था। एक इसमें पूछा गया था सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, नो पर्सन शैल बी एंटाइटल टू डिस्पोज ऑफ और डील विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ हिंदू माइनर मेयरली बिकॉज ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज और हर बीइंग द डिफेक्टो गार्जियन ऑफ द माइनर इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ऐसे एक और पूछा गया था सेक्शन। इसमें राइट ऑफ अ चाइल्ड इन वोम इज गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। सो इसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए वो सेक्शन बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर की, तो ओवरऑल जिसने भी इंडेक्स अच्छे से पढ़ा होगा सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए, इवन 60-70% जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बेस ही पूछे गए। सो सीपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, या फिर एविडेंस है, आईपीसी हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट है, इन सभी में जो है सभी में ही सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए।
फ्रेंड्स आगे से आप जब भी कोई एग्ज़ाम दो तो इंडेक्स जो भी है हर सब्जेक्ट का जरूर करके जाए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस जितने भी पेपर्स होते हैं इंडिया में सिविल जज के लिए या फिर एपीओ के लिए फॉर जो भी जुडिशियल एग्जाम्स है उसमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। सो आप इंडेक्स जो है उनको अच्छे से याद करें और जो इनका जो भी स्टेट जिस भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दें उसका जो सोल्ड अनसोल्ड आते हैं प्री का उसको जरूर परचेज करें, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर हम फ्रेंड्स बात करें कंपैरिजन की तो जो ये पेपर हुआ है और इससे पहला जो पेपर हुआ था यूके सिविल जज प्री एग्ज़ाम जिसको जो कि 30 वैकेंसीज के लिए हुआ था, तो वो क्वेश्चन पेपर था वो इतना टिपिकल नहीं था। ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा टिपिकल है इससे मेरिट भी थोड़ा डाउन जाने के आसार है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ जो है अभी एक्सपेक्टेड नहीं की जा सकती, जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इशू कर देगा ऑफिशियल आंसर की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन आंसर चेक करके बताइएगा कि आपने आपके कितने मार्क्स बने हैं, जिससे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता हूँ यूके सिविल जज प्री एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर।